सीबीआईर समन पाइले जवाब रखिले सत्यपाल मल्लिक। सरकार को टारगेट रही डरबिनी कि हारबिनी। सीबीआई तो जो मैंने शिकायत की थी कि इन इन चीजों में करप्शन है, तो उस पर उन्होंने कहा कि हमको कुछ क्लेरिफिकेशन सीख करने, दे आर कमिंग टू माई हाउस, उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। आपको लगता है कि 24 के चुनाव से पहले ये गवर्नमेंट आपको अरेस्ट कर देगी? आपको ये गवर्नमेंट तो कुछ भी कर सकती है, मरवा भी सकती है, अरेस्ट भी कर सकती है, बट आई एम नॉट बॉदर्ड, आई एम रेडी टू फाइट। तो आपको लगता है कि आपकी जान को खतरा है? मैं सब इतनी कमजोर बात नहीं करता, ये पहले भी एक बार आ चुका, मैं इसको कनेक्ट नहीं करता हूँ, बट ये है कि इनका एटीट्यूड ये है कि किसी तरह डराओ, धमकाओ, मारो, वो हम पे असर नहीं करने वाला। हमारे साथ इतने लोग हैं देहात के कि हम जब चाहेंगे तो यहाँ खुरदबूज कर लें। सीबीआई जो समन पाइबा पर एभले किछि अंदाज रे प्रतिक्रिया रखिछन्ति जम्मू काश्मीर पूर्वतन राज्यपाल सत्यपाल मल्लिक। सत्यपाल स्पष्ट शब्द रे निजको निर्दोष कहिछन्ति ओ केंद्र सरकार को सीधासलख टार्गेट करुछन्ति। या सहित बेस दम्भर सहित सत्यपाल कहिछन्ति परिस्थिति किछि भी हेउना काहेकि ना से डरिबे ना से हारिबे। पुणि थरे सुनि नियंतु सीबीआई समन पाइबा परे सत्यपालकर प्रतिक्रिया कोन रहिछि। अभिजोग को खंडन करी से कहिछन्ति सीबीआई किछि प्रसंग रे स्पष्टीकरण चाहुतबारु एभलि समन करिछि। ये पहले भी एक बार आ चुका, मैं इसको कनेक्ट नहीं करता हूं, बट ये है कि इनका एटीट्यूड ये है कि किसी तरह डराओ, धमकाओ, मारो, वो हम पे असर नहीं करने वाला। हमारे साथ इतने लोग हैं देहात के कि हम जब चाहेंगे तो यहाँ खुरदबूज कर लें। शुक्रवार जम्मू काश्मीर पूर्वतन राज्यपाल सत्यपाल मल्लिक को समन करिथिला सीबीआई। 300 कोटी टंका लांच अभियोग मामलें जेरा करने पर समन कर सीबीआई। सीबीआई पक्ष सत्यपाल मल्लिक को एप्रिल 27 और 28 तारीख में निजर सुविधा अनुजाई हाजर होगा कहुई। घटना को नहीं बीजेपी कही जदि दुर्नीतिर कथा उठी तेरे तदंतरी सत्यता सामना को आसिबो। सेबडे विरोधी कही जी मोदी सरकार को विरोध में स्वर उत्तोलन करे ताकु तदंतकारी संस्थार जेरार सम्मुखीन होगा पड़े। ये अब तो सत्यपाल मल्लिक जी को इसे बैज ऑफ ऑनर की तरह लेना चाहिए। चुप रहने से इनकार किया ना उन्होंने, अभी तुम चुप रहो। फिर डोभाल साहब ने कहा अभी तुम चुप रहो, क्योंकि इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है न सरकार से न भाजपा से। तो मैं मानता हूं कि जो कुछ भूतपूर्व गवर्नर साहब ने कहा उसमें दम है, क्योंकि स्टोरी लाइन बड़ी मैच कर रही है। तो जाहिर है सीबीआई दस्तक देगी। ये जिन लोगों के नाम इन्होंने लिए थे वहां दस्तक क्यों नहीं हो रही है? जो भी मैं टीवी में देख रहा हूं उस बातचीत में मेरा इतना ही लगता है कि कोई करप्शन का मामला है, अगर मामला है तो उनका जांच होगा, इतना ही बातें हैं। गोटेपटे सत्यपाल को उपरे 300 कोटी टंका लांचर अभियोग आसी, अनेपटे 2021 मसीहारे भिन्न एक दाबी करथिले। दुईटी फाइल पास पई लांच जचा जाइतिबा सत्यपालकर दाबी। जम्मू काश्मीर राज्यपाल थिबा बळे जचा जाइतिला लांच। अनिल अंबानीकर रिलायंस जनरल इन्श्योरेंस फाइल पई लांच 300 कोटी टंकार लांच जचा जाइतिबा दाबी। जम्मू काश्मीर राज्यपाल थिबा बळे रिलायंस रो बीमा डील बातिल करथिले सत्यपाल। सरकारी कर्मचारी और सेमानक परिवार लोकंक पई बीमा व्यवस्था थिला। 2018 सेप्टेम्बर 18 तारीख में यह कार्यकारी करा जाइतला। 350,000 कर्मचारी को एथिरे शामिल करा जाइतला। बीमा कर्मचारी हेबार मासक भितरे एहाको बातिल कर दिया जाइतला। एथिरे व्यापक दुर्नीति और सेवा भल नथिबा कहि सत्यपाल डील बातिल करथिले। एहापरे एफआईआर रुजु करा जाइतला। रिलायंस जनरल इन्श्योरेंस सहित ट्रिनिटी री इन्श्योरेंस बोकर्स को अभियुक्त भावे दर्शा जाइतला। जम्मू काश्मीर पूर्वतन राज्यपाल सत्यपाल मल्लिक किछि मास हला केन्द्र सरकार को लगातार भाव में टार्गेट करुछन्ति। गत 14 तारीख में एक गणमाध्यम को साक्षात्कार देवा अवसर में मल्लिक पुलवामा आक्रमण को नहीं प्रधानमंत्री को टार्गेट करते। पुलवामा आतंकवादी आक्रमण घटना को नहीं प्रधानमंत्री सहित गृहमंत्री और जातीय सुरक्षा परामर्शदाता दायी करते। सीबीआई समन मिलवा पर राजनीति जोर धरी। ब्यूरो रिपोर्ट, कनक न्यूज़।